मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास आऊंगी। विनोद जी, क्या ये जो महादेव बेटिंग ऐप की चिंगारी है, इससे भूपेश बघेल का नुकसान होगा या फिर उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं वो हावी रहेंगे इस बार? देखिए, अभी मैं आपके रिपोर्टर से बात कर रहे थे, एक दर्शक से, एक वोटर से, उनसे पूछा उन्होंने महादेव का सवाल, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टंट है। तो चुनाव के समय जब इस तरह के मामले आते हैं, इन चुनाव के वक्त, तो उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लोग लेते नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इससे भूपेश बघेल के तमाम सारे काम हैं उन पर पानी फिर जाए। क्योंकि जब आदमी वोट डालने जाता है तो उसके मानस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो उसके लिए काम हुए हैं वो होता है, कैंडिडेट होता है, पार्टी होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो ये महादेव ऐप का मुद्दा जो है पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के लिए तो मुद्दा हो सकता है, एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है। और चूंकि उसमें है क्या, अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे कोई सबूत आ गया हो, एक व्यक्ति ने किया, एक वीडियो आया और उसके जवाब में कांग्रेस ने भी अपना जवाब दे दिया। तो ये लड़ाई बयानों की लड़ाई शुरू हो गई है। आम आदमी जो है जब वोट डालने जा रहा है तो वो अपने आसपास इर्द गिर्द परिवेश में जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से वोट डालता है। एक छोटा परसेंटेज है जो कई बार इन चीज़ों से प्रभावित होता है, लेकिन इतना बड़ा परसेंटेज नहीं होता है कि वो चुनाव के परिणामों को बदल सके। वहीं आर पार की जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके से विनोद जी कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा इसे बनाने में दरअसल पूरी कोशिश रहती है ऑपोजिशन पार्टी की, ऐसे में जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को लेकर आमने सामने, आपको सुनवाते हैं दोनों का क्या कुछ कहना है। कोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ, कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी। बोले ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना क्या? पीछे से जोर से बोलिए, रहने देना क्या? ये घोटालों की सरकार। अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सत्ते का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। देखो, उन्हें कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। और उन्हें हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अरे ये सबको लगा रहे हैं, वो किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने, अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सही दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5,07,00,000 रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। प्रेस विज्ञप्ति ईडी जारी करती है, वीडियो भारतीय जनता पार्टी जारी करती है, इसका मतलब क्या? ईडी भाजपा है या भाजपा ईडी है, क्या है ये तो बताएं। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है, जिसकी गाड़ी जो ड्राइवर है वो भाजपा नेता के करीबी, जो गाड़ी पकड़ी गई है वो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के रिश्तेदार की गाड़ी, तो ये गड़बड़झाला क्या है, ये गोरखधंधा क्या है? मतलब भाजपा नेता के करीबी ड्राइवर, भाजपा नेता के करीबी का गाड़ी और ईडी का बयान और भारतीय जनता पार्टी जो वीडियो जारी कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग 17 तारीख तक के आनंद लीजिए, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी विज्ञप्ति इस प्रकार आने वाली है। मेरी सहयोगी अंजना जुड़ी हुई है। अंजना, भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी इसे किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, कितना बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रही है? देखिए, तीन इसके पक्ष है। एक तो बीजेपी, जिसने बहुत आक्रामक तरीके से इस पूरे बेटिंग स्कैम में महादेव ऐप पर घेरा है भूपेश बघेल को, चाहे इसमें शुभम सोनी का वीडियो हो जो कि आया, जो कह रहा है कि मालिक है, मैंने पैसे दिए हैं, लगातार मुझसे एक्सटॉर्शन हो रहा था।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में बघेल साहब का पक्ष है। भूपेश सिंह बघेल बार बार इसको पॉलिटिकल बनाने के लिए कहते हैं कि इस बार 15 सीटें नहीं आ रही हैं, इसीलिए वो मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तीसरी तरफ जनता है जिसमें शायद एक व्यक्ति से सिर्फ जितेंद्र बहादुर सिंह ने बात की, लेकिन भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अभी भी चुनाव में राम का नाम चलता है या फिर इस तरह के स्कैम का, ये दिलचस्प होगा। कर्नाटक में आपने देखा कि बसवराज बोम्मई पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे वो छीते वो अंत तक हटा नहीं पाए, ऐसे में वो घिर गए। अब जनता इस बार किस तरह से सोचती है और क्या फैसला लेती है वो दिलचस्प होगा। आप देखिए ना इस पूरे मामले को किस तरह से लगातार उठा रही है, कौशल्या माँ की धरती पर, महादेव के नाम पर जिस तरह से सत्ता के लिए सट्टेबाजी की जा रही है, ये सिर्फ ये जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो टॉप लीडरशिप है, गृहमंत्री अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। राम मंदिर पर भी अमित शाह वहां बार बार बोलते रहे कि कैसे ये राजीव गांधी को श्रेय दे रहे हैं, कमलनाथ ये मध्य प्रदेश में आकर वो बार बार कहते हैं तो, और हिमंत बिस्व शर्मा जो पिच कर रहे हैं, यानी एक तरफ धर्म की बात है, एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप है जो पीएम और बीजेपी लगाती रही, और भूपेश बघेल के लिए अब जनता के लिए आखिरी दिन है। लेकिन ये दिलचस्प रहता है क्योंकि जो पहली बार लौटने में आपके पास जयंत घोषाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, खड़गे जी तो थंपिंग विक्ट्री का दावा कर रहे हैं और हम जब से चर्चा शुरू हुई है सिर्फ छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं, मिजोरम पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, वहां पर क्या मुद्दे हैं और कांग्रेस की वहां पर क्या चांसेस है? देखिए मिजोरम में जो आबादी है उसमें सबसे ज्यादा आबादी है क्रिश्चियन कम्युनिटी, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हिंदुत्व की जो राजनीति है वो पहले से ही, मतलब जो इतिहास कहते हैं कि कांग्रेस के जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा मिजोरम में राजीव गांधी के समय से ये पकड़ थी। लेकिन अभी इस समय जो भाजपा के जो स्ट्रैटेजी है कि नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में और आरएसएस के साथ मिलके जो काम कर रहे हैं, और उसमें अभी मिजोरम में लास्ट चुनाव में तो मिजोरम में एमएनएफ का मेजॉरिटी था, फिर भी घटक दल बन गए हैं भाजपा के। लेकिन इस समय मणिपुर में जो हुई है उसके कोई असर, क्योंकि जो कम्युनिटी है मोहिते कम्युनिटी का भी मिजोरम में काफ़ी असर है, तो इसीलिए ये देखना है कि मणिपुर एडजेसेंट स्टेट है, मणिपुर का कोई असर मिजोरम में होता है या नहीं। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी बन गए हैं और हर स्टेट में जाके जिस तरीके से बीजेपी के मतलब आगे बढ़ा रहे हैं उसमें देखना है, क्योंकि कांग्रेस के जो पकड़ मिजोरम में थी आज के दिन में वो पकड़ नहीं है, और भाजपा का नियंत्रण बढ़ गए हैं क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके ये स्ट्रेटेजी बने हैं जो हेमंत जी और अमित शाह जी मिलके बहुत सालों से ये कर रहे हैं। तो अभी देखना है कि मिजोरम में जैसे मणिपुर का असर मिजोरम में होता है या नहीं, और वहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं वो लोकल लीडरशिप के साथ उनके भरोसा है, वो एंटी इनकम्बेंट से कितना होता है इसके ऊपर निर्भर करेगा अभी मिजोरम के राजनीतिक भविष्य। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हावी रह सकता है यहाँ मिजोरम में, ये जयंत घोषाल जी बता रहे हैं। लेकिन इस बीच चार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो बयां करेंगे कि कैसे आज मतदान की शुरुआत में छत्तीसगढ़ और मिजोरम में इस वक्त वोट फीसदी कितना रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्योंकि नक्सल प्रभावित कई सारे इलाके होते हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसे में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का इस बार किस तरीके से प्रयास रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इन इलाकों में? देखिए नेहा, इस इलाके में सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती की गई है। आपको बता दें कि जो नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर के जो 12 विधानसभा सीटें हैं यहां पर 60,000 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो लोकल पुलिस है उनको तैनात किया गया है। यही वजह है कि जो यहां लाइनें आप देख रही हैं इस वक्त नेहा, लंबी कतारों में महिलाएं भी जो आदिवासी इलाके से जुड़ी हुई हैं वो भी यहां पर ज्यादा संख्या में पहुंच रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी ज्यादा
ज्यादा संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है, जिससे कि इनको किसी भी तरीके का डर यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि पूरा जो इलाका है ये अबुझमाड़ का इलाका है, और इस माड़ के इलाके में ये कहते हैं कि नक्सलियों का प्रभाव काफी रहा है। हालांकि धीरे धीरे करके इन तमाम इलाकों में अब नक्सलियों का वर्चस्व कम होता जा रहा है, जिसके चलते जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर निकल करके वोटिंग कर रही है। 9:30 बजे तक अभी जो थोड़ी देर पहले आंकड़े आए हैं उसमें ये पता चला है कि 11% के आसपास वोटिंग यहां पर हो गई है। 2018 की बात करें नेहा, तो यहां पर 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भारी संख्या में लोग निकल करके यहां पर वोटिंग करते हैं, और उनको जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वैसे में उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है यहां पर वोटिंग करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकलते हैं। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछला रिकॉर्ड है 71% का, उस रिकॉर्ड को नारायणपुर की जो जनता है वो तोड़ेगी, और यहाँ की लाइनों से यही नजर आ रहा है कि लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पर निकल रहे हैं। नेहा, इनसे जो बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन में हैं, अभी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से जानकारी दे रहे थे, लेकिन मिजोरम में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहां पर हमारे सहयोगी सूर्यअग्नि रॉय इस वक्त मौजूद है। सूर्यअग्नि, अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ है मिजोरम में, और वहां पर तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं इस बार? देखिए नेहा, माना जाता है कि डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है इलेक्शन, और मिजोरम वही दिखा रहा है आपको। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये नज़ारा आपको कहीं मिलेगा नहीं। हमने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं लेकिन ऐसा नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ आए हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है। किस तरीके से, किस शांतिपूर्वक यहाँ पे जो वोटिंग हो सुबह से हो रही है, और लोग कैसे बैठे हुए हैं अपने इंतज़ार, अपने वक्त की इंतजार के लिए बैठे हुए हैं, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी है पूरे देश के लिए कि किस हिसाब से, जिस हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे देखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है और एकमात्र ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ये ऐसे वोटिंग हो रहा है। पूरे राज्य में इस तरीके से ही वोटिंग जो है एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल के तरीके से यहाँ पे पालित किया जाता है। और सिर्फ वोटिंग ही नहीं, यहाँ कैंपेनिंग भी बहुत ही एक सिंपल, एक 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 तरीके से यहाँ पे वोटिंग और कैंपेनिंग दोनों ही सुबह से देखी जा रही है। यहाँ पे जोरम थंगा आए थे यहाँ पे, लेकिन वो अपना मतदान नहीं कर पाए क्योंकि कोई टेक्निकल स्निक था, कोई इशू था टेक्निकल कुछ, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर बाद फिर से आएंगे और अपना मतदान जो है वो करेंगे।